नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राचुका। ये देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। दहेज में मांगे 2 लाख रुपए, कच्चे खेलने को लेकर हुआ विवाद, युवक ने फांसी लगा कर दी आत्महत्या। आई देखते हैं खबरें विस्तार से। दहेज में मांगे गए 2 लाख रुपए। अमरावती में श्वेतवनी गांव में ससुराल वालों ने पहली से मांगे गए महिला से 2 लाख रुपए मांगे गए, जिसमें उसने मांग पूरी नहीं होने पर प्रताड़ित किया गया। घटना 13 नवंबर 2023 से लेकर 18 सितंबर 2024 के बीच बताई जा रही है। महिला की शिकायत पर नांदगांव पेट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कंचे खेलने को लेकर हुआ विवाद। अमरावती में हबीबुल्ला नगर 2 में कंचे खेलने को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हो गया। इसमें फरियादी जमीन खान मियां खान के साथ अवैध खान, सहीद खान, अवैध खान और 3 साथियों में मिलकर तलवार से हमला कर दिया। घटना 27 सितंबर की रात की बताई जा रही है। शिकायत 28 सितंबर को गाड़गे नगर थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अमरावती में गजानन मंदिर रहाटे के पास विनायक झापे ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना 28 सितंबर की बताई जा रही है, जिसमें घटना की जानकारी नांदगांव पेट पुलिस ने दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा किया। आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है। विनायक झापे PDCM कॉलेज में नौकरी करते थे। वक्त हो चाहे दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, हेलो, नमस्कार। मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS News, सच जरूर।